क्या आप जानते हैं हम लोगों के दुखी होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है इग्नोर ना कर पाना। हमारी ना एक बड़ी गंदी आदत पड़ गई है कि हम चीजों को इग्नोर करना नहीं जानते। हम सब कुछ नोटिस करते हैं और दिमाग में बैठा लेते हैं। हालांकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि भाई सब चीजों पर ध्यान दो, याद रखो, लर्न करो, बचपन से यही सिखाया गया है। बट आज एक नई चीज सीख लीजिए कि हर एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, हर एक चीज वर्थ नहीं होती कि आप उसको अटेंशन दें, हर एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप उसको अपने दिमाग में जगह दें। दिन में जितनी भी चीजें आपके साथ घट रही हैं, आपके पार्टनर के साथ में, आपके रिश्तों के साथ में, आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, बहुत सारी मैक्सिमम चीजें यही होती हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए। अब बताती है क्या इग्नोर करें और कैसे करें। भाई हमारे सामने कोई हमारी बुराई कर रहा है, कैसे इग्नोर करें? हमारा पार्टनर हमारे अंदर कमी निकाल रहा है, कैसे इग्नोर करें? पड़ोस वाली आंटी मुझे मोटा कह रही है, कैसे इग्नोर करें? जो मेरा फ्रेंड है कल उसने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे ये बोल दिया कि मैं सेल्फिश हूं, कैसे इग्नोर करें? देखो, इग्नोर करने के लिए कुछ चीजें अपने दिमाग में बैठा। पहली चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना कि लोग अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं आपके बारे में। सब लोग वैसा नहीं सोचते जैसा आप सोचते हो, एंड आप भी वैसा नहीं सोचते जैसे लोग सोचते हैं। तो हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू, चीजों को देखने का नजरिया, उनको जज करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हम सब अलग हैं। तो ये उम्मीद करना कि सामने वाली आंटी आपके मोटापे को उसी तरीके से देखे, आपके पतले होने को उसी तरीके से देखे जैसे आप देखते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब आप सामने वाले इंसान को एज ए डिफरेंट इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन आपको उनकी चीजों का बुरा नहीं लगेगा। इस चीज को समझ लीजिए कि हर एक इंसान है, वो हर चीज के बारे में अलग सोच रहा है जैसे कि आप अलग सोचते हैं। That's it. इस पर किसी का जोर नहीं। दूसरी चीज जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि आप लोगों को समझा नहीं सकते, आप किसी को नहीं समझा सकते। इनफैक्ट आप सोचें कि कोई इंसान किसी चीज को गलत कह रहा है, आप जाके उसको समझा सकते हैं कि वो गलत नहीं सही है, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसको ये समझाते रहेंगे कि वो चीज सही है, वो भी आपको समझाता रहेगा कि वो चीज गलत है। अभी वो इंसान उस चीज को गलत कह रहा है, इसके बाद वो आपको भी गलत कहेगा, बट अल्टीमेटली आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल पाएंगे। तो लोगों को बदल सकते हो, लोगों का थॉट प्रोसेस बदल सकते हो, ऐसा नहीं है पॉसिबल, इस चीज को आप समझ लीजिए। तीसरी चीज जो आपको समझनी है कि यू कांट प्लीज एवरीवन। आप सबको खुश कभी नहीं रख सकते। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके लॉज हमेशा आपसे नाराज रहने वाले हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी पॉइंट पर। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लीजिए, आपसे कोई ना कोई नाराज रहने वाला है। किसी एक चीज पर चार लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वहीं पर आठ लोग आपके बारे में उल्टा बोल देंगे। आप कुछ और करोगे तो ये चार लोग उल्टा बोल देंगे, कोई ठीक बोल देगा, मतलब लोग नाराज रहने वाले हैं। एंड जब ये जानते हैं हम लोग कि सामने वाला कुछ रहने ही नहीं वाला, तो उस चीज का लोड क्यों लेना है यार दिमाग पर। जिस दिन आप ये तीन चीजें समझ गए ना, एंड आपने लोगों को वैसा एक्सेप्ट कर लिया जैसे वो है, वहां पर आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इग्नोर करना आ जाएगा। एक बार आप इन चीजों को समझ लीजिए, आपको इग्नोर करने की जो कला है ना, वो अपने आप आ जाएगी। इसके बाद जब पड़ोस वाली आंटी आपको देखकर कहेंगी, बेटा कितनी मोटी हो गई है, उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिला, शादी कब करेगी, बुढ़ापे में बच्चे कब होंगे, जब वो आंटी ऐसा कहेंगी ना, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी आ जाएगी। जब कोई आपका फ्रेंड आपको काला काला कहकर चिढ़ाएगा ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यार क्या है ये, खुद तो इसने अपने आप को देखा नहीं है, एंड आपको ये चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चीजें बुरी तब लगती हैं, हम हर्ट तब हो जाते हैं, जब उन चीजों को हम पर्सनली ले लेते हैं कि ये हमारे बारे में कह रहा है,
हम ये नहीं समझ पाते कि उसकी फितरत वो है। जिस दिन हमने समझ लिया तो हमें इग्नोर करना आ जाएगा। सो लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग पीपल। फालतू में लोगों की बात को अपने दिमाग पर लेके अपने आप को परेशान करने की जरूरत कतई नहीं है। डोंट डू दिस। इग्नोर करना लाइफ में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। इग्नोर द पीपल। नहीं करना है तो उन कुछ गिने चुने जो लोग हैं जो आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली वैल्यू करते हैं, आपकी फैमिली जो खास फैमिली है, वो समवन स्पेशल जो आपको इतना प्यार करता है, आपके वो एक या दो फ्रेंड, फ्रेंड्स की फौज नहीं कह रही, दोस्तों की फौज सब पर होती है, वो नहीं, उन फौज में से जो एक या दो लोग हैं ना दिल में बसते हैं, जो आपकी चड्डी पड़ी है, इन लोगों को अपनी जिंदगी में स्पेशल रखिए, इनके बारे में सोचिए, ये कुछ कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, बस। इसके अलावा दुनिया का ठेका आप लेंगे और दुनिया क्या करेगी यार, दुनिया का काम भी छीन लेंगे आप, तो वो जो सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए। इग्नोर करना इज द बेस्ट थिंग। एंड यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये इग्नोर करने की कला सीख ली ना, उस दिन आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। आप परेशान होना भूल जाएंगे क्योंकि लोग आपको बॉदर नहीं करेंगे। आपको डर नहीं होगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं। आप इग्नोर नहीं कर पाते इसलिए जजमेंट से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या मैं क्या पहनूं लोग क्या कहेंगे, या मैं हेयर स्टाइल कैसा बनाऊं लोग क्या कहेंगे, ये अच्छा तो लग रहा है ना लोग तारीफ तो करेंगे। यू आर सीकिंग फॉर यू नो एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल। डोंट डू दिस। इग्नोर द पीपल। लाइफ जीने का, लाइफ में खुश रहने का इससे अच्छा तरीका है ही नहीं कि लोगों को इग्नोर करना सीखो। एंड इग्नोर आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक इन तीन चीजों को आप अच्छे से समझ नहीं लेते, दिल और दिमाग में बैठा नहीं लेते। आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, समझ जाइए। लोग जज करते हैं, सबका नेचर अलग है, समझ जाइए। आप किसी को समझा नहीं सकते, ये समझ जाइए। हालांकि मैं खुद नहीं समझ रही हूँ कि आपको समझाने लगी हूँ, क्या पता आप भी ना समझे, क्योंकि as I said कि लोग नहीं समझ सकते। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, मैं अपने इस इम्पॉसिबल मिशन पर कामयाब हो गई हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।